आपकी अपनी नीति आप सभी के लिए लेकर आई है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा उपन्यास निर्मला। आप इसे मेरे यूट्यूब चैनल के अलावा स्पॉटिफाई पर भी सुन सकते हैं। नमस्कार, स्टोरी विद नीति में आपका स्वागत है। तो ये सुनते हैं उपन्यास निर्मला का सता भाग मेरे साथ यानी आपकी अपनी नीति के साथ। 3 दिन गुजर गए और मुंशी जी घर न आए। रुक्मणी दोनों वक्त अस्पताल जाती और मनसाराम को देखाती थी। दोनों लड़के भी जाते थे पर निर्मला कैसे जाती। उनके पैरों में तो बेड़ियां पड़ी हुई थी। वह मनसाराम की बीमारी का हाल चाल जानने के लिए व्यग्र रहती थी। यदि रुक्मणी से कुछ पूछती तो ताने मिलते थे और लड़कों से पूछती तो वे सिर पैर की बातें करने लगते थे। एक बार खुद जाकर देखने के लिए उसका चित्त व्याकुल हो रहा था। उसे ये भय होता था कि संदेह ने कहीं मुंशी जी के पुत्र प्रेम को शिथिल न कर दिया हो, कहीं उनकी कृपणता ही तो मनसाराम के अच्छे होने में बाधक तो नहीं हो रही। डॉक्टर किसी के सगे नहीं होते, उन्हें तो अपने पैसों से काम है। मुर्दा दोजख में जाए या बहशत में, उसके मन में प्रबल इच्छा होती थी कि जाकर अस्पताल के डॉक्टरों को 1,000 की थैली देकर कहे कि इन्हें बचा लीजिए, ये थैली आपकी भेंट है। पर उसके पास तो इतने रुपए ही ना थे, इतने पैसे भी ना थे और इतना साहस भी ना था। अब भी यदि वह वहां पहुंच सकती तो मनसाराम अच्छा हो जाता। उसकी जैसी सेवा शुश्रूषा होनी चाहिए थी वैसी नहीं हो रही है, नहीं तो क्या 3 दिन तक ज्वर ही ना उतरता। ये देहिक ज्वर नहीं है, ये मानसिक ज्वर है और चित्त के शांत होने ही से इसका प्रकोप उतर सकता है। अगर वे वहां रात भर बैठी रह सकती और मुंशी जी जरा भी मन मैला ना करते तो कदाचित मनसाराम को विश्वास हो जाता कि पिताजी का दिल साफ है और फिर अच्छे होने में देर ही ना लगती। लेकिन ऐसा होगा? ऐसा कभी नहीं होगा। मुंशी जी उसे वहां देखकर कभी प्रसन्नचित नहीं होंगे। क्या अब भी उनका दिल साफ नहीं हुआ होगा? यहां से जाते समय तो ऐसा ज्ञात हुआ था कि वे अपने किए पे पछता रहे होंगे। ऐसा तो ना होगा कि उसके वहां जाते ही मुंशी जी का संदेह फिर भड़क उठे और वे बेटे की जान लेकर ही छोड़े। इस दुविधा में पड़े पड़े 3 दिन गुजर गए और ना घर में चूल्हा जला ना किसी ने कुछ खाया। लड़कों के लिए बाजार से पूरियां ली जाती थी। रुक्मणी को और निर्मला को भूख ही नहीं लगती थी, उन्हें भोजन की इच्छा ही नहीं होती थी, वो बिना खाए ही सो जाती थी। चौथे दिन जियाराम स्कूल से लौटा तो अस्पताल होता हुआ घर आया। निर्मला ने पूछा, क्यों भैया अस्पताल भी गए थे? आज क्या हाल है, तुम्हारे भैया उठे या नहीं? जियाराम वासा होकर बोला, अम्मा जी आज तो वह कुछ बोलते चलते ही ना थे, चुपचाप चारपाई पर पड़े पड़े चोर से हाथ पांव पटक रहे थे। निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया, घबरा कर पूछा, तुम्हारे बाबूजी वहां ना थे? जियाराम, थे क्यों नहीं, वहां बहुत रोते थे। निर्मला का कलेजा धक धक करने लग, पूछा, डॉक्टर लोग वहां ना थे? जियाराम, डॉक्टर भी खड़े थे और आपस में कुछ सलाह कर रहे थे। इससे सबसे बड़ा सिविल सर्जन अंग्रेजी में कह रहा था कि मरीज की देह में कुछ ताजा खून डालना चाहिए। इस पर बाबूजी ने कहा, मेरी देह से जितना खून चाहे ले लीजिए। सिविल सर्जन ने हंसकर कहा, आपके ब्लड से काम नहीं चलेगा, किसी जवान आदमी का ब्लड चाहिए। आखिर उसने पिचकारी से कोई दवा भैया के बाजू में डाल दी। 4 अंगुल से कम की सुई ना रही होगी, पर भैया मिनके तक नहीं, मैंने तो मारे डर के आंखें बंद कर ली। बड़े बड़े महान संकल्प आवेश में ही जन्म लेते हैं भैया। कहा तो निर्मला भय से सुखी जाती थी, कहा उसके मुंह पर दृढ़ संकल्प की आभा झलक पड़ी। उसने अपने देह का ताजा खून देने का निश्चय किया। अगर उसके रक्त में मनसाराम के प्राण बच जाएं, तो वह बड़ी खुशी से उसकी अंतिम बूंद तक दे डालेगी। अब जिसका जो जी चाहे समझे, जो चाहे जो करे, वह कुछ परवाह नहीं करेगी। उसने जियाराम से कहा, तुम लपक कर एक इक्का बुला लो, मैं अस्पताल जाऊंगी। जियाराम, वहां तो इस वक्त बहुत आदमी है अम्मा, जरा रात हो जाने दो। निर्मला, नहीं तुम अभी इक्का बुला लो। जियाराम, कहीं बाबूजी बिगड़े ना। निर्मला, बिगड़ने दो, तुम्हें अभी जाकर सवारी लाओ। जियाराम, मैं कह दूंगा अम्मा जी ने मुझसे सवारी मंगाई थी। निर्मला, कह देना, जितना कह रही हूं उतना करो।
जियाराम तो उधर तांगा लाने गया। इतनी देर में निर्मला ने सिर में कंघी की, चूड़ा बांधा, कपड़े बदले, आभूषण पहने, पान खाया और द्वार पर आकर तांगे की राह देखने लगी। रुक्मणी अपने कमरे में बैठी हुई थी, उसे इस तैयारी से आते देख कर बोली, कहाँ जात हो बहू? निर्मला, जरा अस्पताल तक जाती हूँ। रुक्मणी, अब हुआ जाएगी का करी हो? निर्मला, कुछ नहीं करूंगी, करूंगी क्या, करने वाले तो भगवान है, देखने को जी चाहता है। रुक्मणी, हम कहे थे मत जाओ। निर्मला, नहीं अभी चली जाऊंगी दीदी जी। जियाराम कह रहे हैं कि इस वक्त उनकी हालत अच्छी नहीं है, जी नहीं मानता, आप भी चलिए ना मेरे साथ, हम देखा इन्हें, इतना समझ लियो कि बाहरी खून पहुंचाने पर ही जीवन का आशा है, और बाकी कोनो ताजा खून हुए तो क्यों दे दे, अब उके प्राण का भय बहुत है, मनाई जनाई था भगवान देवता पितरन का मान जाए हैं तो देखो प्रसाद चढ़ो भाई भोलेनाथ बाबा का। इस निर्मला, इसीलिए तो मैं जाती हूँ, क्या पता मेरे खून से काम ना चलेगा। अरे चले काहे ना, जवाब ही का तो, जवाने का तो खून चाहिए, तोरे खून से तो मनसाराम के जान बच जाए, इससे अच्छा कौन बात है, उसे पानी में बहा दिया जाए। तांगा आया, निर्मला और जियाराम दोनों जा बैठे, तांगा चला। रुक्मणी द्वार पर खड़ी देर तक रोती रही, आज पहली बार उसे निर्मला पर दया आई, उसका बस होता तो वह निर्मला को बांध रखती, करुणा और सहानुभूति का आवेश उसे कहां लिए जाता है, वह अप्रकट रूप से देख रही थी, आ ये दुर्भाग्य की प्रेरणा है, ये सर्वनाश का मार्ग है। निर्मला अस्पताल पहुंची तो दीपक जल चुके थे, डॉक्टर लोग अपनी राय देकर विदा हो चुके थे। मनसाराम का ज्वर कुछ कम हो गया था, वह टकटकी लगाए हुए द्वार की ओर देख रहा था, उसकी दृष्टि उन्मुक्त आकाश की ओर लगी हुई थी, मानो किसी देवता की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कहाँ है, जिस दशा में है, इसका उसे कुछ ज्ञान न था। सहसा निर्मला को देखते ही वह चौंक कर उठ बैठा, उसकी समाधि टूट गई, उसकी विलुप्त चेतना प्रदीप्त हो गई, उसे अपनी स्थिति का, अपनी दशा का ज्ञान हो गया, मानो कोई भूली हुई बात याद आ गई हो। उसे आंखें फाड़ कर निर्मला को देखा और मुंह फेर लिया। एकाएक मुंशी जी तीव्र स्वर से बोले, तुम यहाँ क्या करने आई हो? निर्मला, नहीं वो बतलाइए कि क्या करने आई हूँ। इतनी सीधे से प्रश्न का भी वह कोई जवाब ना दे सकी, वह क्या करने आई थी, इतना जटिल प्रश्न किसके सामने आया होगा, घर का आदमी बीमार है, उसे देखने आई है, ये बात क्या बिना पूछे मालूम ना हो सकती थी, फिर प्रश्न क्यों। वह हट बुद्धि सी खड़ी रही, मानो संज्ञाहीन हो गई हो। उसने दोनों लड़कों से मुंशी जी के शोक और संताप की बातें सुनकर अनुमान किया था कि अब उसका दिल साफ हो गया है, अब उसे ज्ञात हुआ था कि वह भ्रम था, हाँ वह महाभ्रम था, मगर वह जानती थी आंसू की दृष्टि ने भी संदेह की अग्नि शांत नहीं की तो वह कदापि ना आती, वह कुड़ कुड़ा कर मर जाती, घर से पांव ना निकालती। मुंशी जी ने फिर वही प्रश्न किया, तुम यहाँ क्यों आई हो? निर्मला ने निशंक भाव से उत्तर दिया, आप यहाँ क्या करने आए हैं? मुंशी जी के नथने फड़कने लगे, वह झल्ला कर चारपाई से उठे और निर्मला का हाथ पकड़कर बोले, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, जब मैं बुलाऊं तब आना, समझ गई? अरे ये क्या अनर्थ हुआ, मनसाराम जो चारपाई से हिल भी ना सकता था उठकर खड़ा हो गया और निर्मला के पैरों पर गिरकर रोते हुए बोला, अम्मा जी इस अभागे के लिए आपको व्यर्थ इतना कष्ट हुआ, मैं आपका स्नेह कभी ना भूलूंगा, ईश्वर से ये मेरी हार्दिक प्रार्थना है कि मेरा पुनर्जन्म हो, मैं आपके गर्भ से आपके बेटे के रूप में पैदा हूँ, जिससे मैं आपके ऋण से अऋण हो सकूं। ईश्वर जानता है मैंने आपको कभी भी माता नहीं समझा, मैं आपको अपनी माता समझता रहा, आपकी उम्र मुझसे ज्यादा ना हो, लेकिन आप मेरी माता के स्थान पर थी और मैंने आपको सदैव इसी दृष्टि से देखा है। माँ आप नहीं बोला जाता, माँ क्षमा कर दो, ये अंतिम भेंट है। निर्मला ने अश्रु प्रवाह को रोकते हुए कहा, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो, तो दो चार दिन में अच्छे हो जाओगे। मनसाराम ने क्षीण स्वर में कहा, अब जीने की अब अच्छा नहीं है माँ, और ना बोलने की शक्ति है। ये कहते कहते मनसाराम अशक्त होकर वहीं जमीन पर लेट गया। निर्मला ने पति की ओर निर्भय नेत्रों से देखते हुए कहा, डॉक्टर ने क्या सलाह दी है? मुंशी जी,
सबके सब भंग खा गए हैं, कहते हैं ताजा खून चाहिए। निर्मला, ताजा खून मिल जाए तो प्राण रक्षा हो सकती है। मुंशी जी ने निर्मला की ओर तीव्र नेत्रों से देखकर कहा, मैं तो ईश्वर नहीं हूं ना, और ना डॉक्टर ही हूं कि ईश्वर समझता हूं, मुझे क्या पता। निर्मला, ताजा खून तो ऐसी अलभ्य वस्तु नहीं। मुंशी जी, आकाश के तारे भी तो अलभ्य नहीं, मुंह के सामने खंडक क्या चीज है। निर्मला, मैं अपना खून देने को तैयार हूं, डॉक्टर को बुलाइए। मुंशी जी ने विस्मित होकर कहा, तुम? निर्मला, हाँ, क्या मेरे खून से काम ना चलेगा? मुंशी जी, तुम अपना खून क्यों दोगी? नहीं, तुम्हारे खून की जरूरत नहीं, इससे प्राणों का भय है। निर्मला, मेरे प्राण और किस दिन काम आएंगे? मुंशी जी ने सजल नेत्र होकर कहा, नहीं निर्मला, उसका मूल अब मेरी निगाहों में बहुत बढ़ गया है। आज तक वह मेरे भोग की वस्तु थी, आज से वह मेरी भक्ति की वस्तु है। मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है, क्षमा कर दो मुझे। जो कुछ होना था हो गया, किसी को कुछ ना चली। डॉक्टर साहब निर्मला की देह से रक्त निकालने की चेष्टा कर ही रहे थे कि मनसा राम अपने उज्जवल चरित्र की अंतिम झलक दिखाकर इस ब्रह्म लोक से विदा हो गया। कदाचित इतनी देर तक उसके प्राण निर्मला की ही राख देख रहे थे। उसके निष्कलंक सिद्ध किए बिना वे देह को कैसे त्याग देता, अब उनका उद्देश्य पूरा हो गया था। मुंशी जी को निर्मला के निर्दोष होने का विश्वास हो गया, पर कब? जब हाथ से तीर निकल गया, जब मुसाफिर ने रकाब में पांव डाल दिया। अच्छा, पुत्र शोक में मुंशी जी का जीवन भार स्वरूप हो गया। उस दिन से फिर उनके होठों पर कभी हंसी ना आई। ये जीवन अब उन्हें व्यर्थ सा जान पड़ता था। कचहरी जाते मगर मुकदमों की पैरवी करने के लिए नहीं, केवल दिल बहलाने के लिए। घंटे दो घंटे में वहां से उकताकर चले आते। खाने बैठते तो कौर मुंह में ना जाता। निर्मला अच्छी से अच्छी चीज पकाती, पर मुंशी जी दो चार कौर से अधिक ना खा सकते। ऐसा जान पड़ता कि कौर मुंह से निकला जाता है। मनसाराम के कमरे की ओर जाते ही उनका हृदय टूक टूक हो जाता। जहां उनकी आशाओं का दीपक जलता रहता था, वहां अंधकार छाया हुआ था। उनके दो पुत्र अब भी थे, लेकिन दूध देती हुई गाय मर गई थी, जो बछिया का क्या भरोसा। जब फूलने फलने वाला वृक्ष गिर पड़ा, नन्हे नन्हे पौधों से क्या आशा। यूं तो जवान बूढ़े सभी मरते हैं, लेकिन दुख इस बात का था कि उन्होंने स्वयं लड़के की जान ली थी। जिस दम बात याद आ जाती तो ऐसा मालूम होता कि उनकी छाती फट जाएगी, मानो हृदय बाहर निकल पड़ेगा। निर्मला को तो पति से सच्ची सहानुभूति थी, जहां तक हो सकता था वे उनको प्रसन्न रखने का फिक्र रखती थी और भूलकर भी पिछली बातें जवान पर न लाते थी। मुंशी जी उससे मनसाराम की कोई चर्चा करते शर्माते थे। उनकी कभी कभी ऐसी इच्छा होती थी कि एक बार निर्मला से अपने मन के सारे भाव खोलकर कह दूं, लेकिन लज्जा रोक लेती थी। इस भांति उन्हें सांत्वना भी तन मिलती थी, जो अपनी व्यथा कह डालने से दूसरों को अपने गम में शरीक कर लेने से प्राप्त होती है। मवाद बाहर ना निकलकर अंदर ही अंदर विष फैलाता जाता है, दिन दिन देह घुलती जाती है। इधर कुछ दिनों से मुंशी जी और उन डॉक्टर साहब में जिन्होंने मनसाराम की दवा की थी याराना हो गया था। बेचारे कभी कभी आकर मुंशी जी को समझाया भी करते थे, कभी कभी अपने साथ हवा खिलाने के लिए खींच ले जाते थे। उनकी स्त्री भी दो चार बार निर्मला से मिलने आई थी। निर्मला भी कई बार उनके घर आई थी, मगर वहां से जब लौटती तो कई दिन तक उदास रहती। उस दंपति का सुखमय जीवन देखकर उसे अपनी दशा पर दुख हुए बिना न रहता था। डॉक्टर साहब को कुल 200 रुपए मिलते थे, पर इतने में ही दोनों आनंद से जीवन व्यतीत करते थे। घर में केवल एक महरी थी, रस्सी का बहुत सा काम स्त्री को अपने ही हाथों करना पड़ता था। गहने भी इसकी देह पर बहुत कम थे, पर उन दोनों में वह प्रेम था जो धन की तृण के बराबर परवाह नहीं करता। पुरुष को देखकर स्त्री को चेहरा खिल उठता था, स्त्री को देखकर पुरुष निहाल हो जाता था। निर्मला के घर में धन इससे कहीं अधिक था। आभूषणों से उसकी देह फटी पड़ती थी। घर का कोई काम उसे अपने हाथों से नहीं करना पड़ता था। पर निर्मला संपन्न होने पर भी अधिक दुखी थी और सुधा विपन्न होने पर भी सुखी। सुधा के पास कोई ऐसी वस्तु थी जो निर्मला के पास नहीं थी, जिसके सामने उसे अपना वैभव तुच्छ जान पड़ता था। यहां तक कि वह सुधा के घर गहने पहनकर जाते शर्माती थी। एक दिन निर्मला डॉक्टर साहब से घर आई तो उसे बहुत उदास देखकर सुधा ने पूछा, बहन आज बहुत उदास हो,
वकील साहब की तबीयत तो अच्छी है ना निर्मला? क्या कहूँ सुधा, उनकी दशा दिन दिन खराब होती जाती है, कुछ कहते ही नहीं बनता, ना जाने ईश्वर को क्या मंजूर है। सुधा, हमारे बाबूजी तो कहते हैं कि उन्हें कहीं जलवायु बदलने के लिए जाना जरूरी है, नहीं तो कोई भयंकर रोग खड़ा हो जाएगा। कई बार वकील साहब से कह भी चुके हैं, पर वे यही कह दिया करते हैं कि मैं तो बहुत अच्छी तरह हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं। आज तुम कहना निर्मला। हाँ, जब डॉक्टर साहब की नहीं सुनी तो मेरी क्या सुनेंगे। ये कहते कहते निर्मला की आंखें डबडबा गई और जो शंका इधर महीनों से उसके हृदय को विकल करती रहती थी मुंह से निकल पड़ी। अब तक तो उसने उस शंका को छिपाया था, पर अब ना छिपा सकी। बोली, बहन मुझे लक्षण कुछ अच्छे नहीं मालूम होते, देखें भगवान क्या करते हैं। सुधा, तुम आज उनसे खूब जोर देकर कहना कि कहीं जलवायु बदलने चाहिए, दो चार महीने बाहर रहने से बहुत सी बातें भूल जाएंगी। मैं तो समझती हूँ शायद मकान बदलने से भी उनका शोक कम हो जाए। तुम कहीं बाहर जी भी ना साथ जा सकोगी, ये कौन सा महीना है? निर्मला, आठवां महीना बीत रहा है। ये चिंता तो मुझे और भी मारे डालती है, मैंने तो इसके लिए ईश्वर से कभी प्रार्थना नहीं की थी, ये भला मेरे से न जाने क्यों मर दी। मैं बड़ी अभागनी हूँ, विवाह के एक महीने पहले पिता का देहांत हो गया, उनके मरते ही मेरे से सनीचर सवार हुए। जहाँ पहले विवाह की बातचीत पक्की हुई थी उन लोगों ने आंखें फेर ली, बेचारी अम्मा को हार कर मेरा विवाह यहाँ करना पड़ा। अब छोटी बहन का विवाह होने वाला है, देखे उसकी नाव किस घाट जाती है। सुधा, जहाँ पहले विवाह की बातचीत हुई थी उन लोगों ने इनकार क्यों कर दिया था? निर्मला, ये तो वो ही जाने, पिताजी ना रहे तो सोने की गठरी कौन देता। सुधा, हाँ ये नीचता, कहाँ के रहने वाले थे? निर्मला, लखनऊ के, नाम तो याद नहीं, आबकारी के कोई बड़े अफसर थे। सुधा ने गंभीर भाव से पूछा, और उनका लड़का क्या करता था? निर्मला, कुछ नहीं, कहीं पढ़ता था पर बड़ा होनहार था। सुधा ने सिर नीचे करके कहा, उसने अपने पिता से कुछ कहा ना था? वह तो जवान था, अपने बाप को दबा ना सकता था। निर्मला, अब ये मैं कहा जानू बहन, सोने की गठरी किसे नहीं प्यारी होती। जो पंडित जी मेरे यहाँ से संदेश लेकर गए थे ना, उसने तो ये कहा था कि लड़का ही इनकार कर रहा है। लड़के की माँ अलबत्ता देवी थी, उसने पुत्र पति दोनों ही को समझाया पर उसकी किसी ने ना सुनी। सुधा, मैं तो उस लड़के को पाती तो खूब आड़े हाथों लेती। निर्मला, मेरे भाग में जो लिखा था वो हो चुका, बेचारी कृष्णा पन्ना जाने क्या बीतेगी। संध्या समय निर्मला ने जाने के बाद डॉक्टर साहब घर से बाहर से आए तो सुधे ने कहा, क्यों जी, तुम उस आदमी का क्या कहोगे जो एक जगह विवाह ठीक कर लेने के बाद फिर लोवश किसी दूसरी जगह डॉक्टर सिन्हा किसी से विवाह कर ले। डॉक्टर सिन्हा ने इसी की ओर कुतूहल से देखकर कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए और क्या। सुधा, ये क्यों नहीं कहते कि ये घोर नीचता है, पहले सिरके का कमीनापन है। सिन्हा, हाँ हाँ, ये कहने में भी मुझे इनकार नहीं। सुधा, किसका अपराध बड़ा है, वर का या वर के पिता का? सिन्हा की समझ में अभी तक नहीं आया कि सुधा के इन प्रश्नों का क्या आशय है। विस्मय से बोले, अरे जैसी स्थिति होगी, अगर वह पिता के अधीन है तो पिता का अपराध हो, अगर पिता के अधीन नहीं है तो सबसे बड़ा अपराध तो मुझे वर का ही लगता है। सुधा, अधीन होने पर भी क्या जवान आदमी का अपना कोई कर्तव्य नहीं है? अगर उसे अपने लिए नए कोट की जरूरत हो तो पहले पिता के विरोध करने पर भी उसे रोध होकर बनवा लेता है, क्या ऐसे महत्व के विषय में वह अपनी आवाज पिता के कानों तक नहीं पहुंचा सकता था? ये कहो कि वह और किसका, उसका और पिता दोनों अपराधी हैं, परंतु वर अधिक है। बूढ़ा आदमी सोचता है मुझे तो सारा खर्चा संभालना पड़ेगा, कन्या पक्ष से जितना आ सकूं उतना ही अच्छा है, मगर वर का धर्म है कि यदि वह स्वार्थ के हाथों बिल्कुल बिक नहीं गया है तो अपने आत्मबल का परिचय दे, अगर वह ऐसा नहीं करता तो मैं कहूंगी कि वह लोभी और कायर है। दुर्भाग्यवश ऐसा ही एक प्राणी मेरा पति है और मेरी समझ में नहीं आता कि किन शब्दों में उसका तिरस्कार करूं। सिन्हा ने हिचकाते हुए कहा, वह दूसरी बात थी, लेन देन का कारण नहीं था, बिल्कुल दूसरी बात थी, कन्या के पिता का देहांत हो गया था, ऐसी दशा में हम लोग क्या करते, ये भी सुनने में आया था कि कन्या में कोई ऐब है, बिल्कुल दूसरी बात थी, मगर तुमसे ये कहा किसने, कहां से सुनी तुमने ये बात? सुधा, कह दो कि वह कन्या कानी थी या कुबड़ी थी या नायन के पेट की थी या भ्रष्टा थी, इतनी कसर क्यों छोड़ दी ये भी कह दो। अच्छा भला सुनो तो उस कन्या में ऐब क्या था? सिन्हा, क्या बताऊं, मैंने देखा तो नहीं था, सुनने में आया था कि उसमें कोई ऐब है। सुधा,
अच्छा, सबसे बड़ा ऐब यही था कि उसके पिता का स्वर्गवास हो गया था और वह कोई लंबी चौड़ी रकम ना दे सकती थी। हाँ, इतना स्वीकार करते क्यों जीतते हो? मैं तुम्हारे कान थोड़ा ना काट लूंगी। अगर दो चार फिक्रे कहूँ तो इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देना। ज्यादा जी चपाड़ करूँ तो छड़ी से काम ले सकते हो और चार ठंडे से ही ठीक रहती है ना। और अगर उस कन्या में कोई ऐब था तो मैं कहूंगी लक्ष्मी में भी ऐब नहीं है, तुम्हारी खोटी थी बस। और क्या, तुम्हें तो मेरे पाले पड़ना था। सिन्हा, तुमसे किसने कहा कि वह ऐसी थी वैसी थी है? कब से बड़बड़ बड़बड़ लगाए बैठी हो जैसे तुमने किसी से सुनकर मान लिया हो। सुधा, मैंने सुनकर नहीं माना, अपनी आंखों से देखा है। ज्यादा बखान क्या करूं, मैंने ऐसी सुंदरी स्त्री कभी नहीं देखी थी। सिन्हा ने व्यग्र होकर पूछा, क्या वह यही कहीं है? सच बताओ, उसे कहां देखा है? क्या तुम्हारे घर आई थी? सुधा, हाँ मेरे घर आई थी और एक बार नहीं कई बार आ चुकी है। मैं भी उसके यहाँ कई बार जा चुकी हूँ। वकील साहब के बीबी वही कन्या है जिसे आपने ऐबों के कारण त्याग दिया था। सिन्हा, क्या सच में? सुधा, हाँ बिल्कुल सच। अगर आज इसे मालूम हो जाए कि आप वही महापुरुष हैं तो शायद फिर इस घर में कदम ना रखे। ऐसी सुशीला, घर के कामों में ऐसी निपुण और ऐसी परम सुंदरी स्त्री इस शहर में दो ही चार होंगी। तुम मेरा बखान करते हो, मैं उसकी नौकरानी बनने के भी योग्य नहीं हूँ। घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, मगर जब प्राणी ही मेल के नहीं तो सब रहकर क्या करेगा बेचारी। धन है उसके धैर्य को कि उस बुढ़े खसूट वकील के साथ जीवन के दिन काट रही है। मैंने तो कब का जहर खा लिया होता, मगर वन की व्यथा कहने से थोड़े प्रकट होती है। हंसती है, बोलती है, कहने पहनती है, कपड़े पहनती है, पर रोया रोया राया करता है उसका। सिन्हा, वकील साहब की खूब शिकायत करती होगी। सुधा, शिकायत क्यों करेगी, क्या वह उसके पति नहीं है? अरे संसार में अब उसके लिए जो कुछ है वकील साहब, वह बुढ़े हो या रोगी, पर है तो उसके स्वामी। कुलवंती स्त्रियां पति की निंदा नहीं करती, एक उल्टाओं का काम है। वह उनकी दशा देखकर कुर्ती है पर मुझसे कुछ नहीं कहती। सिन्हा, इन वकील साहब को क्या सूझी थी जो इस उम्र में ब्याह करने चले थे? सुधा, ऐसे आदमी ना हो तो गरीब कुंवारियों की नाव कौन पार लगाए। तुम और तुम्हारे साथी बिना भारी गठरी के तो बात नहीं करते, तो फिर ये बेचारे किसके घर जाएं? तुमने ये बड़ा भारी अन्याय किया है और तुम्हें इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। ईश्वर उसका सुहाग अमर करे, लेकिन वकील साहब को कहीं कुछ हो गया तो बेचारे का जीवन ही नष्ट हो जाएगा। आज तो बहुत रोती थी, तुम लोग सचमुच बड़े निर्दयी हो। तो अपने सोहन का विवाह किसी गरीब लड़की से करूंगी? डॉक्टर साहब ने यह पिछला वाक्य नहीं सुना, वे घोर चिंता में पड़ गए। उनके मन में ये प्रश्न उठ उठ कर उन्हें विकल करने लगा कि कहीं वकील साहब को कुछ हो गया तो। आज उन्हें अपने स्वार्थ का भयंकर स्वरूप दिखाई दिया। वास्तव में यह उन्हीं का अपराध था। अगर उन्होंने पिता से जोर देकर कहा होता कि मैं और कहीं विवाह ना करूंगा, तो क्या वह इनकी इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह कर देते? सहसा सुधा ने कहा, कहो तो कल निर्मला से तुम्हारी मुलाकात करा दूं, वह भी जरा तुम्हारी सूरत देख ले। वह कुछ बोलेगी तो नहीं, पर कदाचित एक दृष्टि से वह तुम्हारा इतना तिरस्कार कर देगी जिसे तुम कभी से भूल ना सकोगे। बोलो, कल मिला दूं, तुम्हारा बहुत संक्षिप्त परिचय भी करा दूंगी। सिन्हा ने कहा, नहीं सुधा, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, कहीं ऐसा गजब ना करना, नहीं तो सच कहता हूँ घर छोड़कर भाग जाऊंगा। सुधा, अच्छा जो काटा बोया है उसका फल खाते क्यों उतरते हो? जिसकी गर्दन पर कटार चलाई है जरा उसे तड़पते भी तो देखो। मेरे दादाजी ने 5,000 दिए ना, अभी छोटे भाई के विवाह में 5-6,000 और मिल जाएंगे, फिर तो तुम्हारे बराबर धनी संसार में कोई दूसरा नहीं होगा। और 11,000 बहुत होते हैं, अपने बाप 11,000 उठा उठा कर रखने लगे तो महीनों लग जाए, अगर लड़के उड़ाने लगे तो पीढ़ियों तक चले। कहीं से बात हो रही है या नहीं? इस पर यहाँ से डॉक्टर साहब इतना छेपे कि सिर तक ना उठा सके, उनका सारा वाक चातुर्य गायब हो गया, नन्हा सा मुंह निकल आया, मानो मार पड़ गई। उसी वक्त दीक्षित डॉक्टर साहब को बाहर से पुकार, बेचारे जान लेकर भागे। स्त्री कितनी परिहास कुशल होती है, इसका आज परिचय मिल गया। रात को डॉक्टर साहब शयन करते हुए सुधा से बोले, निर्मला की तो कोई बहन है ना? सुधा, हाँ आज उसी की चर्चा तो करती थी, इसकी चिंता अभी से उसे सवार हो रही है। अपने ऊपर तो जो कुछ बीतना था बीत चुका, बहन की फिक्र में पड़ी हुई थी। माँ के पास तो अब और भी कुछ नहीं है रहा, मजबूरन किसी ऐसे ही बूढ़े बाबा के गले वह भी मर दी जाएगी। सिन्हा, निर्मला तो अपनी माँ की मदद कर सकती है ना? सुधा ने तीक्ष्ण स्वर में कहा। अरे
तुम भी कभी कभी बिल्कुल बेसिर पैर की बातें करने लगते हैं। निर्मला बहुत करेगी तो 200-400 रुपए दे देगी, और क्या कर सकती है। वकील साहब का ये हाल हो रहा है, उसे अभी पहाड़ सी उम्र काटनी है, फिर कौन जाने उनके घर का क्या कलेश हाल है। इधर 6 महीने से बेचारे घर बैठे हैं, रुपए आकाश से थोड़े ही बरसते हैं। 10-20 हजार होंगे भी तो बैंक में होंगे, कुछ निर्मला के पास तो रखे ना होंगे। हमारा 200 रुपया महीने का खर्च है, तो क्या इनका 400 रुपये महीने का भी ना होगा। अरे सुधा को तो नींद आ गई, पर डॉक्टर साहब बहुत देर तक करवट बदलते रहे। फिर सोच कर उठे और मेज पर बैठकर एक पत्र लिखने लगे। दोनों बातें एक ही साथ हुई, निर्मला के कन्या को जन्म दिया, कृष्णा का विवाह निश्चित हुआ और मुंशी तोताराम का मकान नीलाम हो गया। कन्या का जन्म तो साधारण बात थी, यद्यपि निर्मला की दृष्टि में ये उसके जीवन की सबसे महान घटना थी, लेकिन शेष दोनों घटनाएं असाधारण थी। कृष्णा का विवाह ऐसे संपन्न घराने में कैसे ठीक हो गए। उसकी माता के पास तो दहेज के नाम को कौड़ी भी ना थी, और इधर बूढ़े सिन्हा साहब जो पेंशन लेकर घर आ गए थे, बिरादरी महालोभी मशहूर थे, वह अपने पुत्र का विवाह ऐसे दरिद्र घराने में करने पर कैसे राजी हुए, किसी को सहसा विश्वास ना आता था। इससे भी बड़ा आश्चर्य की बात यह थी कि मुंशी जी के मकान का नीलाम हो जाना था। लोग मुंशी जी को अगर लखपति नहीं तो बड़ा आदमी अवश्य समझते थे। उनका मकान कैसे नीलाम हुआ, बात यह थी कि मुंशी जी ने एक महाजन से कुछ रुपए कर्ज लेकर एक गांव रहने के दिया था। उन्हें आशा थी कि 7-8 साल में ये रुपए पटा देंगे, फिर 10-5 साल में उस गांव पर कब्जा कर लेंगे। वह जमींदार असल और सूद के कुल रुपए अदा करने में असमर्थ हो जाएगा। इसी भरोसे पर मुंशी जी ने यह मामला किया था। गांव बहुत बड़ा था, 400-500 रुपए नफा होता था, लेकिन मन की सोची मन ही में रह गई। मुंशी जी दिल को बहुत समझाने पर भी कचहरी ना जा सके। पुत्र शोक ने उनमें कोई काम करने की शक्ति ही नहीं छोड़ी थी। कौन ऐसा हृदय शून्य पिता है जो पुत्र की गर्दन पर तलवार चलाकर चित्त को शांत कर ले। महाजन के पास जब साल भर तक का सूद ना पहुंचा और ना उसके बार बार बुलाने पर मुंशी जी उसके पास गए, यहां तक कि पिछली बार उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, साहू जी जो चाहें करें। तब साहू जी को गुस्सा आ गया, उसने नालिश कर दी, मुंशी जी पैरवी करने भी ना गए। एकाएक डिग्री हो गई, यहाँ घर में रुपए कहाँ रखे थे। इतने ही दिनों में मुंशी जी की साख भी उठ गई, वह रुपए का कोई प्रबंध ना कर सके। आखिर मकान नीलाम पर चढ़ गया। निर्मला सौर में थी, ये खबर सुनी तो कलेजा सन्न हो गया। जीवन में कोई सुख ना होने पर भी धन अभाव की चिंताओं से मुक्त थी। धन मानव जीवन में मगर सर्वप्रथम वस्तु नहीं होता, मगर उसके बिना कोई काम चल भी तो नहीं सकता, वह उसके बहुत निकट की वस्तु अवश्य है। अब और अभावों के साथ ये चिंता थी कि उसके सिर सवार हुई थी। उसे दाई द्वारा कहला भेजा, मेरे सब गहने बेचकर घर को बचा लीजिए, लेकिन मुंशी जी ने यह प्रस्ताव भी तिरस्कार कर दिया। उस दिन से मुंशी जी और भी चिंतामय रहने लगे। जिस धन का सुख भोगने के लिए उन्होंने विवाह किया था, वह अब अतीत की स्मृति का मात्र था। वह मारे ग्लानी के अब निर्मला को अपना मुंह तक न दिखा सकते थे। उन्हें अब उसके अन्याय का अनुमान हो रहा था जो उन्होंने निर्मला के साथ किया था, और कन्या के जन्म ने तो रही सही कसर भी पूरी कर दी थी, सर्वनाश ही कर डाला। 12वें दिन सौर से निकलकर निर्मला नवजात शिशु को गोद लिए पति के पास गई। वह इस अभाव में भी इतनी प्रसन्न थी मानो उसे कोई चिंता नहीं है। बालिका को हृदय से लगाकर वह अपनी सारी चिंताएं भूल गई थी। शिशु के विकसित और हर्ष प्रदीप नेत्रों को देखकर उसका हृदय प्रफुल्लित हो रहा था। मातृत्व के इस उद्धार में उसके सारे क्लेश विलीन हो गए थे। वह शिशु को पति की गोद में देकर निहाल हो जाना चाहती थी, लेकिन मुंशी जी कन्या को देखकर सहम उठे। गोद लेने के लिए उनका हृदय हुलसा नहीं, पर उन्होंने एक बार उसे करुण नेत्रों से देखा और फिर से झुका लिया। शिशु की सूरत मनसाराम से बिल्कुल मिलती थी।
निर्मला ने उसके मन का भाव और ही समझा। उसने शतगुण स्नेह से लड़की को हृदय से लगा लिया, मानो उनसे कह रही है, अगर तुम इसके बोझ से दबे जाते हो तो आज मैं इस पर तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने दूंगी। जिस रतन को मैंने इतनी तपस्या के बाद पाया है, उसका निरादर करते हुए तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। वह उसी क्षण शिशु को गोह से चिपकाते हुए अपने कमरे में चली गई और देर तक रोती रही। उसने पति की उस उदासीनता को समझने की जरूरी चेष्टा भी ना की, ना ही तो शायद वह उन्हें इतना कठोर न समझती। उसके सिर पर उत्तरदायित्व का इतना बड़ा भार कहाँ था जो उसके पति पर आ पड़ा था। वह सोचने की चेष्टा करती तो क्या इतना भी उसकी समझ में ना आता। मुंशी जी को एक ही क्षण में अपनी भूल मालूम हो गई। माता का हृदय प्रेम में इतना अनुरक्त रहता है कि भविष्य की चिंता और बाधाएं उसे जरा भी भयभीत नहीं करती। उसे अपने अंतःकरण में एक अलौकिक शक्ति का अनुभव होता है जो बाधाओं को उनके सामने परास्त कर देती है। मुंशी जी दौड़े हुए घर में आए और शिशु को गोद में लेकर बोले, मुझे याद आती है मनसा भी ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही ना निर्मला? हाँ दीदी जी भी तो यही कहती हैं। मुंशी जी, हाँ बिल्कुल, बड़ी बड़ी आंखें, वैसे लाल लाल हों। ईश्वर ने मुझे मेरा मनसा राम इस रूप में दे दिया, वही माथा, वही मुंह, वही हाथ पांव। ईश्वर तुम्हारी लीला अपार है। सहसा रुकमणी भी आ गई। मुंशी जी को देखते ही बोली, देखो बाबू, मनसा राम है कि नहीं? वही आया है, कोई लाख कहे मैं ना मानूंगी, साफ मनसा राम है, साल भर के लगभग भी तो गया। मुंशी जी, बहन एक एक अंक तो मिलता है, बस भगवान ने मुझे मेरा मनसा राम दे दिया। क्यों रे, तू मनसा राम ही है ना, छोड़कर जाने का नाम न लेना, नहीं फिर खींच लाऊंगा। कैसे निष्ठुर होके भागे थे, आखिर पकड़ लाया कि नहीं तुझे? बस कह दिया, अब मुझे छोड़कर जाने का नाम ना लेना। देखो बैर कैसी टुकुर टुकुर ताक रही है। उसी क्षण मुंशी जी ने फिर से अभिलाषाओं का भवन बनाना शुरू कर दिया। मोह ने उन्हें फिर संसार की ओर खींचा। मानव जीवन तो इतना क्षणभंगुर है, पर तेरी कल्पनाएं कितनी दीर्घायु हैं। वही तोताराम जो संसार से विरक्त हो रहे थे, जो रात दिन मृत्यु का आह्वान किया करते थे, तिनके का सहारा पाकर तट पर पहुंचने के लिए पूरी शक्ति से हाथ पांव मार रहे थे, मगर तिनके का सहारा पाकर कोई तट पर पहुंचा है? निर्मला को यद्यपि अपने घर के झंझटों से अवकाश ना था, पर कृष्णा के विवाह का संदेश पाकर वह किसी तरह रुक ना सकी। उसकी माता ने बहुत आग्रह करके बुलाया था। सबसे बड़ा आकर्षण ये था कि कृष्णा का विवाह उसी घर में हो रहा था जहां निर्मला का विवाह पहले तय हुआ था। हाँ, आश्चर्य यही था कि इस बार ये लोग बिना कुछ दहेज के लिए कैसे विवाह करने को तैयार हो गए। निर्मला को कृष्णा के विषय में बड़ी चिंता हो रही थी। समझती थी मेरी ही तरह वह भी किसी के गले मर दी जाएगी। बहुत चाहती थी कि माता की कुछ सहायता करूं जिससे कृष्णा के लिए कोई योग्य वर मिले, लेकिन इधर वकील साहब के घर बैठ जाने और महाजन के नालिश कर देने से उसका हाथ भी तंग था। ऐसी दशा में ये खबर पाकर उसे बड़ी शांति मिली। चलने की तैयारी कर ली। वकील साहब स्टेशन तक पहुंचाने आए। नन्हे बच्ची से उन्हें बहुत प्रेम था, छोड़ते ही ना थे, यहाँ तक कि निर्मला के साथ चलने को तैयार हो गए। लेकिन विवाह से एक महीने पहले उनका ससुराल जा बैठना निर्मला को उचित ना मालूम हुआ। निर्मला ने अपनी माता से अब तक अपनी विपत्ति कथा ना कही थी। जो बात हो गई उसका रोना रोकर माता को कष्ट देने और रुलाने से क्या फायदा। इसलिए उसकी माता समझती थी कि निर्मला बड़े आनंद से है। अब जो निर्मला की सूरत देखी तो मानो उसके हृदय पर धक्का सा लग गया। लड़कियां ससुराल से खुलकर नहीं आती। फिर निर्मला जैसी लड़की जिसको सुख की सभी सामग्रियां प्राप्त थी, उसे कितनी लड़कियों को दूज की चंद्रमा की भांति ससुराल जाते और पूर्ण चंद्र बनकर आते देखा था। मन में कल्पना कर रही थी निर्मला का रंग भी निखर गया होगा, देह भरकर सुडोल हो गई होगी, अंग प्रत्यंग की शोभा कुछ और ही हो गई होगी। अब जो देखा तो वह आधी भी ना रही, और ना यौवन की चंचलता थी, ना वह वैसी छवि जो हृदय को मोह लेती है। वह कमनीयता, सुकुमारता जो विलास में जीवन से आ जाती है, यहाँ नाम को भी ना थी। मुख पीला, चेष्टा गिरी हुई। तो माता ने पूछा, क्यों रे, तुझे वहां खाने को नहीं मिलता था क्या रे? इससे कहीं अच्छी तो तू यही थी, वहां तुझे क्या तकलीफ थी? कृष्णा ने हंसकर कहा, वहां मालकिन थी कि नहीं? अरे मालकिन दुनिया भर की चिंताएं रहती हैं अम्मा, भोजन कब करें?
निर्मला, नहीं अम्मा, वहां का पानी मुझे रास नहीं आया, तबीयत भारी रहती है थोड़ी। माता वकील साहब न्योते में आएंगे कि नहीं, तब पूछूंगी कि आपने फूल सी लड़की ले जाकर उसकी ये गति बना डाली। अच्छा अब ये बता कि तूने यहाँ रुपए क्यों भेजे थे? मैंने तो तुझसे कभी ना मांगे थे। लाख गई गुजरी हूँ, लेकिन बेटी का धन खाने की नीयत नहीं है मेरी। निर्मला ने चकित होकर पूछा, किसने रुपए भेजे थे अम्मा? मैंने तो नहीं भेजे। माता, अब झूठ ना बोल, तूने 5 रुपए के नोट नहीं भेजे थे मुझे? कृष्णा, भेजे नहीं थे तो क्या आसमान से आ गए थे? तुम्हारा नाम साफ साफ लिखा था और मोहर भी वही की थी। निर्मला, अम्मा तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ, मैंने 100 रुपए नहीं भेजे, ये कब की बात है? माता, अरे 2-2.5 महीने हुए होंगे, अगर तूने नहीं भेजे तो आए कहाँ से? निर्मला, ये मैं क्या जानू, मगर मैंने रुपए नहीं भेजे। हमारे यहाँ तो जब से जवान बेटा मरा है कचहरी ही नहीं जाते। मेरा हाथ तो आप ही बहुत तंग था अम्मा, रुपए कहाँ से आते? माता, अच्छा ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, वहां और कोई तेरा सगा संबंधी तो नहीं है? वकील साहब ने तो तुझे छिपकर नहीं भेजे? निर्मला, नहीं अम्मा मुझे तो विश्वास नहीं। माता, इसका पता लगाना चाहिए, मैंने सारे रुपए कृष्णा के गहने कपड़े में खर्च कर डाले, बताओ। अब ये बड़ी मुश्किल हुई मुझे। दोनों लड़कों में किसी विषय पर विवाद उठ खड़ा हुआ और कृष्णा उधर फैसला करने चली गई तो निर्मला ने माता से कहा, इस विवाह की बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ अम्मा। ये कैसे हुआ अम्मा? माता यहाँ जो सुनता है दांतों तले उंगली दबाता है। जिन लोगों ने पक्की की कराई बात फेर दी और केवल थोड़े से रुपए के लोभ से वे अब बिना कुछ लिए कैसे विवाह करने को तैयार हो गए, समझ में नहीं आता बेटा। उन्होंने खुद ही पत्र भेजा, मैंने साफ साफ लिख दिया कि मेरे पास देने लेने के कुछ नहीं है, कुछ कन्या ही से आपकी सेवा कर सकती हूँ। निर्मला, तो इसका कुछ जवाब नहीं दिया उन्होंने? माता, शास्त्री जी पत्र लेकर गए थे, वह तो यही कहते थे कि अब मुंशी जी कुछ लेने की इच्छुक नहीं है, अपनी पहली वादा खिलाफ पर कुछ लज्जित भी हैं। मुंशी जी से तो इतनी उदारता की आशा ना थी, मगर सुनती हूँ उनके बड़े पुत्र बहुत सज्जन आदमी है, उन्होंने कह सुनकर बाप को राजी किया है। निर्मला, अच्छा पहले तो ये महाशय भी थैली चाहते थे ना अम्मा? माता, हाँ मगर अब तो शास्त्री जी कहते थे कि दहेज के नाम से चिढ़ते हैं, सुना है यहाँ विवाह ना करने पर पछताते भी थे, रुपए के लिए बात छोड़ी थी और रुपए खूब पाए, स्त्री पसंद नहीं है शायद। निर्मला के मन में उस पुरुष को देखने की प्रबल उत्कंठा हुई जो उसकी अवहेलना करके अब उसकी बहन का उद्धार करना चाहता है। प्रायश्चित सही, लेकिन कितने ऐसे प्राणी हैं जो इस तरह प्रायश्चित करने को तैयार है, उनसे बातें करने के लिए, नम्र शब्दों से उनका तिरस्कार करने के लिए, अपनी अनुपम छवि दिखाकर उन्हें और भी जलाने के लिए निर्मला का हृदय अधीर हो उठा। रात को दोनों बहनें एक ही कमरे में सोई। मोहल्ले में किन किन लड़कियों का विवाह हो गया, कौन कौन लड़की कोरी हुई, किस किस का विवाह धूमधाम से हुआ, कौन किसके साथ भागा, किसका प्रेम प्रसंग चल रहा है, किस किस के पति इच्छा अनुकूल नहीं मिले, कौन कितने और कैसे कहने चढ़ावे में लाया, इन्हीं विषयों में दोनों में बड़ी देर तक बातें होती रही। कृष्णा बार बार चाहती थी कि बहन के घर का कुछ हाल पूछूं, मगर निर्मला उसे पूछने का अवसर ही ना देती थी। जानती थी कि ये जो बात पूछेगी उसके बताने में मुझे संकोच ही होगा। आखिर एक बार कृष्णा पूछ ही बैठी, जीजी जीजाजी कब आएंगे? निर्मला, आने को तो कहा है देखो। कृष्णा, अब तो तुमसे प्रसन्न रहते हैं या अब भी वही हाल है? मैं तो सुना करती कि दुहाजू पति स्त्री को प्राणों से भी प्रिय समझते हैं, वहां बिल्कुल उल्टी बात देखी, आखिर किस बात पर बिगड़ते रहते थे तुम पे? निर्मला, अब मैं किसी के मन की बात क्या जानू बहन। कृष्णा, मैं तो समझती हूँ तुम्हारी रुखाई से वे चिढ़ते होंगे, तुम हो ही ऐसी जली हुई गई थी, वहां भी उन्हें कुछ कहा होगा? निर्मला, ये बात नहीं है कृष्णा, मैं सौगंध कहकर कहती हूँ जो मेरे मन में उनकी ओर से जरा भी मैल है, मुझे जहां तक हो सकता था उनकी सेवा करती हूँ, अगर उनकी जगह कोई देवता भी होता तो भी मैं उससे ज्यादा और भी कुछ ना कर सकती, उन्हें भी मुझसे प्रेम है, बराबर मेरा मुंह देखा करते हैं,
लेकिन जो बात उनके और मेरे काबू के बाहर है उसके लिए वे क्या कर सकते हैं और मैं क्या कर सकती हूँ। ना वह जवान हो सकते हैं ना मैं बुढ़िया हो सकती हूँ। जवान बनने के लिए वह न जाने कितने रसों भस्म खाते रहते हैं और मैं बुढ़िया बनने के लिए दूध घी सब छोड़े बैठी हूँ। सोचती हूँ मेरे दुबले पने से अवस्था का भेद कुछ कम हो जाए, लेकिन ना उन्हें पौष्टिक पदार्थों से कुछ लाभ होता है और ना मुझे उपवासों से। जब से मनसा राम का देहांत हो गया है तब से उनकी दशा और खराब हो गई है। कृष्णा, मनसा राम को तो तुम बहुत प्यारी करती थी ना। निर्मला, वह लड़का ही ऐसा था कि जो देखता था प्यार करता था। ऐसी बड़ी बड़ी डोरेदार आंखें मैंने किसी की नहीं देखी थी। कमल की भांति मुख हरदम खिला रहता था। ऐसा साहसी कि अगर अवसर आ पड़ता तो आग में फांट जाता। कृष्णा, मैं तुमसे कहती हूँ, जब मेरे पास आकर बैठ जाता तो मैं अपने को भूल जाती थी। जी चाहता था मैं हरदम मेरे सामने बैठा रहे, मैं देखा करूं। मेरे मन में पाप का लेश भी ना था। अगर एक क्षण के लिए भी मैंने उसकी ओर किसी और भाव से देखा हो तो मेरी आंखें फूट जाएं। पर ना जाने क्यों उसे अपने पास देखकर मेरा हृदय फूला ना समाता था। इसीलिए मैंने पढ़ने का स्वांग रचा, नहीं तो वह घर में आता ही नहीं था। ये मैं जानती हूँ कि अगर उसके मन में पाप होता तो मैं उसके लिए सब कुछ कर सकती थी। कृष्णा, अरे बहन चुप रहो, कैसी बातें मुंह से निकालती हो। निर्मला, हाँ ये बात सुनने में बुरी मालूम होती है और है भी बुरी, लेकिन मनुष्य की प्रकृति को तो कोई बदल नहीं सकता ना। तू ही बता, एक 50 वर्ष के मर्द से तेरा विवाह हो जाए तो तू क्या करेगी। कृष्णा, बहन मैं तो जहर खाकर सो रहूं, मुझसे तो उसका मुंह भी ना देखा जाए। निर्मला, तो बस यही समझ ले, उस लड़के ने कभी मेरी ओर आंख उठाकर नहीं देखा, लेकिन बुढ़े तो शक्की होते ही है ना। तुम्हारे चीचा उस लड़के के दुश्मन हो गए और आखिर उसकी जान लेकर ही छोड़ी। जिस दिन उसे मालूम हो गया कि पिताजी के मन में मेरी ओर से संदेह है, उसी दिन के उसे ज्वर चढ़ा और जान लेकर ही उतरा। हाय, उस अंतिम समय का दृश्य आंखों से नहीं उतरता। मैं अस्पताल गई थी, वहीं जो मैं बेहोश पड़ा था, उठने की शक्ति ना थी, लेकिन जो ही मेरी आवाज सुनी चौंककर उठ बैठा और माता माता कहकर मेरे पैरों में गिर पड़ा। कृष्णा, उस समय ऐसा जी चाहता था ना कि अपने प्राण निकाल कर उसे दे दूं। मेरे पैरों पर वह मूर्छित हो गया और फिर आंखें ना खोली। डॉक्टर ने उसकी देह में ताजा खून डालने का प्रस्ताव किया था। यही सुनकर मैं दौड़ी गई थी, लेकिन जब तक डॉक्टर लोग वह प्रक्रिया आरंभ करें उसके प्राण निकल गए थे। कृष्णा, ताजा रक्त पर जाने से उसकी जान बच जाती शायद। निर्मला, कौन जानता है, लेकिन मैं तो अपने रुधिर की अंतिम बूंद तक देने का तैयार थी। उस दशा में भी उसका मुखमंडल दीपक की भांति चमकता था। अगर वह मुझे देखते ही दौड़कर मेरे पैरों पर ना गिर पड़ता, पहले कुछ रक्त देह में पहुंच जाता तो शायद बच जाता। कृष्णा, तो तुमने उन्हें उसी वक्त लिटा क्यों ना दिया।